चलो राधे राधे बच्चों, सभी को पीजे का नमस्कार। कैसे होंगे? मस्त होंगे और खुश होंगे और बढ़िया होंगे और अच्छे से आप अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, दिन रात मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पता है कल रिजल्ट आया है नीट के पेपर का, और ये रिजल्ट इतना शानदार रहा है कि आप मानोगे नहीं कि बच्चों ने 720 में से 720 लेके आ गए। पहले ये डिफिकल्ट माना जाता था, तो एक दो बच्चे इसको करते थे, लेकिन अब 90 में से 90 बच्चे इसको कर रहे। ये क्या चीज़ है? ये बहुत खतरनाक चीज़ है बच्चों, इसे आपको सीखना चाहिए कि अब आपको कितने मेहनत की ज़रूरत है और कितने काम की ज़रूरत है। आई ना बात समझ में? तो बच्चों अब आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और वो भी बहुत तरीके से मेहनत करनी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट जो आते हैं उनके मैं नाम लेता हूँ, तो अभी आज जो है 2-3 कमेंट बहुत अच्छे दिए थे भागीरथ जी चौधरी साहब, तो प्यारे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो, मेरे को कमेंट से लगा कि आप सारे जो पढ़ रहे, पूरा सिस्टमेटिक बना रखा है मैंने सिस्टम। क्लास होती है, क्लास का होमवर्क भी मिलता है, होमवर्क जो है वो रिटर्न जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आता है, और उसको मैं सॉल्व भी करवाता हूँ। पूरा ऐसे फील हो रहा है कि ऑनलाइन कोचिंग की तरह कर रहे हैं, है ना? तो पूरी सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट करें मेरे को, जिससे कि उन बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच पाए जिनको अवेलेबल नहीं हो पाती। मैं हमेशा कहता हूँ आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी मिठाई है, लेकिन आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है वो आपके डाइजेशन के हिसाब से देखना है प्यारे बच्चे। चलो बच्चों, और क्या हाल है? सब लोग खुश हो? अच्छा, रिजल्ट तुम्हारा थोड़ी आया है नीट का? ये देखो गुड़िया बहुत उदास हो रही है। अरे गुड़िया, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो भाई को, अरे यार अपने तो लोग यार भाई तो बड़े हो सर, 720 में 720 मेरे को भी लाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल, अगर आप 720 नहीं लाओगे ना, वो मज़ा ही अलग होता है 720 में से 720 लाना, उसके बाद में एम्स में जाके पढ़ाई करना। पता है ना एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना? अपने इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो माना जाता है वो एम्स माना जाता है ना? सपने उसके देखते हो, तो उसको पूरा करने के लिए है ना रात दिन मेहनत भी करो। बिना मेहनत आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर नहीं सकते। आई ना बात समझ में बच्चा? अच्छा चलो, आज कुछ नए लोग भी आए हैं। चलो चलो चलो, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे आज मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि नीट के रिजल्ट में एनटीए ने पता है स्कैम कर रहे हैं। सब लोग बोले कि स्कैम किया, जितने भी यूट्यूबर्स और टीचर थे सब ने वीडियो और स्टेटस लगा के और जो है वो एनटीए से पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो एनटीए ने वापस अपडेट जारी कर दिया कि कोड के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ हुई है। उन्होंने बोला कि जिन सेंटर पे टाइम कम मिल गया था उनको हम लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिए। चलो इतनी बात तो समझ आती है, ठीक है? हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, भरपाई कर दो बच्चों की, है ना? पर इतनी कितनी भरपाई करोगे? ग्रेस मार्क 100 तक दे दोगे? कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क 100 तक मिले, और ये तो बढ़िया क्या चीज़ की आपने, बताना। तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता आपसे पूछ रही है, आपने क्या क्या ये 100 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के रूप में दे दिए बच्चों? अरे उस बच्चे के साथ क्या होगा जिसने 3 घंटे पूरे लगा के पेपर दिया, 3.25 घंटे लगा के मेहनत की, और आपने उन बच्चों को टाइम कम मिला तो 100 नंबर दे दिए। और खेला देखो, एक ही सेंटर पे जहाँ पे टाइम कम मिला है ना, वहाँ पे 7 बच्चों के फर्स्ट रैंक है, और 718 और 719 वाले भी उसी सेंटर के। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो उसी सेंटर के? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये रहा खेला, ये इतना बड़ा खेला है। देखो 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23, यहाँ तक की सीरीज सेम आ रही है। फिर देखो 168 333 403 460 178 37 180 198, ये सारे के सारे एक ही सेंटर के हैं, है ना?
और ये 718 और 719 वाले दोनों हैं, बालक बालिका है, एक बालिका है इसके अंदर, ये 719 और ये ऐसे के भाई साहब 718। ये खेला खेला है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको 100 नंबर जो है वो ग्रेस के रूप में मिले। पता नहीं एनटीए क्या खेल खेल रही है, क्या करना चाहती है पता नहीं है, लेकिन उन बच्चों के साथ बहुत कहते हैं ना कि बुरा हुआ जो मेहनत करते हैं ना। चलो बच्चों, तो ये एक एज ए इन्फॉर्मेशन बताना था, ठीक है, तो आपको मैंने बता भी दिया क्या चीज़ होगी। चलो हम लोग हमारे सेशन की तरफ बढ़ते, इन चीज़ों पर आपको ध्यान कम देना है और आपको जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो आपकी पढ़ाई। मैं हमेशा कहता हूँ ना, क्या कहता हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, समझे सर। आजकल तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है भाई साहब, कह रहे कि आजकल तो पढ़ते सब है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि पढ़ते सब है, लेकिन अपना काम ऐसे करो ना स्मार्ट तरीके से, जिससे आप दूसरे लोगों से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस मैदान में आपके जितने योद्धा बहुत सारे हैं जो इस जंग को लड़ रहे हैं रात दिन मेहनत करके। तुम भी उसमें से एक हो, लेकिन तुम्हें वहां से आगे निकलकर जीतना है, राजा बनना है, सम्राट बनना है। तो वो कैसे बनोगे, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इसको ज्ञान के अंदर डुबोना पड़ेगा दिमाग को, सारी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके तुम जो है वो सम्राट बनोगे, महान बनोगे। आई बात समझ में? तो हर चीज में स्मार्ट वर्क करना शुरू करो, होमवर्क में स्मार्ट वर्क, के कैसे क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व किया जाए, है ना, और आंसर कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और देखो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी है, सर स्मार्ट वर्क का तो छोड़ो, हमसे किताब खुल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, क्यों नहीं खुलती किताब? सपने किसी और के है क्या? आगे आने वाली लाइफ जो है वो तुम्हारी है ना, तुम्हें अच्छी बनानी है ना, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा के सपने पूरे करोगे कि नहीं करोगे? रे करेंगे सर, हम किसी और के सपने करेंगे। अरे किसी और के सपने पूरे करने से लाइफ में कुछ भी मिलने वाला बोलो रे नहीं है, समझ गए? चलो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं, उसको थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बालक बालिकाओं, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे झिंगुरों, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि हम लोगों ने अभी तक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए चार्ज, तीन चीज़ों को ढंग से पढ़ा और उसके जितने क्वेश्चंस अच्छे से और अच्छे लेवल के बन सकते थे वो हमने सारे के सारे किए, और मैंने होमवर्क भी दिया और उसको सॉल्व भी करवाया। अब थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी बातें शुरू करते हैं, क्या कह रहा हूं, चैप्टर को आगे बढ़ाते। तो आज हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में रे बोलो रे? इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड को हिंदी में कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र, या कुछ लोग इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या रे बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये समझो ये चीजें क्या होती है। तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पहले पूरा मैटर समझाऊंगा अच्छे से, है ना, और उसके बाद पूरा का पूरा थ्योरी से समझाऊंगा, समझे के नहीं समझे? एक बात बता मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाडू, अगर मैं आपको नीचे गिरा दूं,
सर ऐसा मत करो, अन्याय ही नहीं करना है। अरे गिरा थोड़ी रहा यार, आप तो मेरे बहुत जिगर के टुकड़े हैं, प्यारे प्यारे दिल में रहने वाले भाई और बहनें। सपोज कि कोई पार्टिकल नीचे गिर रहा है, गिर रहा है ना, तो आखिर वो नीचे ही आता है। सर क्या बात कर रहे हो आप, अगर मैं पार्टिकल को ऊपर भी फेंक दूं ना तो भी वो नीचे ही आता है। ओ माय गॉड, व्हाट दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, जब किसी भी पार्टिकल को ऊपर या नीचे फेंकते हैं तो उसे कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कहा जाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। और ऐसा इसलिए होता है कि उस अर्थ के अराउंड, क्या कह रहे बच्चे, उस अर्थ के अराउंड जो होता है वो ग्रेविटेशन फील्ड होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशन फील्ड होता है, एक ऐसा भाग कह दो, एक ऐसा क्षेत्र कह दो, गुरुत्वीय क्षेत्र कह दो हिंदी वालों। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये सारा जो काम हो रहा था वो ग्रेविटेशन फील्ड के कारण हो रहा था। अच्छा, अच्छी बात है। आप लोगों ने मैग्नेट देखे, मैग्नेट के सेम पोल और मैग्नेट के अपोजिट पोल। जब मैग्नेट के सेम पोल थे तो वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे थे, और मैग्नेट के अनलाइक पोल थे तो एक दूसरे से क्या हो रहे थे? एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। अरे क्या हो रहे थे रे? अट्रैक्ट हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड के कारण। किसके कारण बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा था। अच्छा, ऐसी बात है। इसी तरीके से एक चीज का नाम होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या नाम बोला? इलेक्ट्रिकल फील्ड नाम बोला मैंने। सर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ये दोनों टर्म्स क्या चीज को बताते, एक बार अच्छे से बताइए। मैं आपको ऐसे बाग में लेके चला जाऊं जहां पे करंट ही करंट है, और आप वहां पे खड़े रह जाओगे तो कौन सा गाना गाओगे रे? जोर का झटका हाई जोरों से लगा, अब इस दुनिया में थोड़ा 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 समय कम हो रहा है हमारा। तो आपको चार्ज को एक ऐसे फील्ड में लेके चले जाओ तो क्या होगा? बात को ध्यान से सुन मेरे बच्चा, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे झिंगूर, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे जिगर के टुकड़े। क्या कहा? कि चार्ज को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके चले जाओ तो क्या होगा? तो बच्चा, चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके जाओगे तो उसे एक फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। और उस पॉइंट पे चेक करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा या यूनिटी चार्ज लेना पड़ेगा। एक यूनिट चार्ज को लगने वाला फोर्स उस फील्ड में, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स उस पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कहलाता है। आई बात समझ में? या ऐसा कहे कि ऐसा बाग जहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस हो जाए वो बाग क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोल रे सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। आई बात समझ में? इसी चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से पहले आपको बता दिया, अब थ्योरी के अलावा समझाऊंगा। क्या क्या बातें समझाई रे बच्चा? तो सबसे पहली बात बताई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो एक ऐसा भाग होता है जहां पे अपने को इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, या ऐसा कहे इलेक्ट्रिसिटी का जो है आपको अनुभव होगा। और तो क्या, यहां सर की भाषा में जोर का झटका जोरों से लगा, ऐसे नाचने लग जाओगे तुम लोग। अरे होंगे कि नहीं होंगे रे? बोलो रे। ओके बच्चों, उसके बाद में बोला एक ऐसे पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को रखे और उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस हो जाए, विद्युत बल का अनुभव हो जाए, तो उस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है रे? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। सर हिंदी प्लीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आई बात समझ में मेरे बच्चों? तो यहां तक कोई दुख, कोई तकलीफ मेरे बच्चे,
कोई तकलीफ नहीं, तो कहानी को शुरू करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, बट वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज फील्ड। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वी लर्न अबाउट द व्हाट इज फील्ड, के फील्ड क्या होता है उसके बारे में जाने। तो सर ने अभी आपको दो तीन चीजों के बारे में फील्ड की बातें की कि नहीं की रहे, बता कौन सा फील्ड था। नहीं अभी तो बताया ना बेटा, दो फील्ड बताए कौन कौन से रहे, एक तो ग्रेविटेशन फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि फील्ड क्या होता है, यानी कि क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहली बात हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज फील्ड, बेसिक टर्म से फील्ड क्या होता है। चलो देखिए, ये देखिए बेटा ये क्या है, देखा हुआ है ना सर, ये गोला है जिस गोले में हम रहते हैं। अरे तुम कौन से गोला में रहते हो रे, तुम कौन से गोले के प्राणी हो, तुम कौन से गोले के जीव हो, इस अर्थ के धरती के। सर हम इसको माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, कहते हो ना। चलो तो ये अर्थ है हमारी, और इस अर्थ के ऊपर हम यहाँ पे एक सिंबल ले रखे, और यहाँ पे बहुत सारे हमने क्या बना रखे, कंट्रीज बना रखे। तुम कौन सी कंट्री में रहते हो ना पता है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, यही बात जो मैं बोल चुका हूं। क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ पे फॉल्स हो जाए यानी वो गिरे तो क्या होता है रे, पता है ना। The object falls on the earth, के object को जो है वो अर्थ पे गिराया जाए तो क्या होता है। देखो वही बात बोलिए, कौन सी बात, This is because a gravitational field is present around the earth, के कोई भी object पृथ्वी पे नीचे गिरता है तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है रे, ग्रेविटेशन फील्ड होता है। कौन सा कारण होता है बेटा, ग्रेविटेशन फील्ड होता है। कौन सा होता है रे, ग्रेविटेशन फील्ड होता है। ये बात मैंने आपको अभी भी समझे, और ये ग्रेविटेशन फील्ड कहां है, इतना तो समझ आ गया कि किसी भी पार्टिकल का नीचे गिरने का एक ही कारण है, या कहे एक ही रीजन है, और वो रीजन केवल और केवल यही है कि वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड है। अच्छा अच्छी बात है, तो ये ग्रेविटेशन फील्ड कहां है ये समझाना है। तो ये ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो अर्थ के अराउंड है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ है। कहां है बेटा, पृथ्वी के चारों तरफ। चलो ये बात भी समझ में आ गई। तो ये सर कैसा दिखता होगा कि भाई पृथ्वी के आसपास की बात की, अर्थ के सराउंडिंग बात की, अर्थ के नियर अबाउट बात की, या अराउंड द अर्थ बात की, तो ये कैसा होगा। इस तरीके से ये आपका अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड इस वाले भाग के जो ब्लैक लाइन से बना रखा है ये वाला बेटा, तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है रे, इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसको मैंने इस लाइन से बनाया। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात बताई सर आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी ना आप लोगों को। चलो अब देखिए, आपके पास में दो मैग्नेट है, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं पता है ना, अरे चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं सर, उत्तर और दक्षिण। इंग्लिश में क्या कहेगा रे, नॉर्थ और साउथ। क्या बेटा, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं इस तरीके से, एक पोल होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ।
अब देखना ध्यान से बेटा, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। द मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड, ठीक है। अगर मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये किसके कारण होगा, वही कि आपकी जो मैग्नेट है उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है रे, आपकी जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। आई बात समझ में इतनी अच्छे से, यही चीज लिखी हुई है। दिस इज बिकॉज ए मैग्नेटिकल फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड द मैग्नेट्स, के मैग्नेट के अराउंड जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई है, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। ध्यान से देखिए, और वही चीज अगर रिपेल हो जाए तो ये देखिए, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो इस मैग्नेट के अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कि नहीं आ रही रे, बोलो रे। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, और इसी के कारण ये दोनों पोल आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं रे, अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात बताई सर आपने। अब आगे क्या होगा, तो अब आगे की कहानी को देखा जाए तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी बेटा मेरे प्यारे बच्चा, यहां पे लिखा कि जो फील्ड होता है वो बेसिकली स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। स्पेस का मतलब होता है त्रिविम, जो यहां पे हम हैं, 3D कह दो, तो ये एक हमारी स्पेस की प्रॉपर्टी है कि स्पेस के अंदर खूब सारे फील्ड है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये जाना कि ग्रेविटेशन फील्ड है, उसके बाद में हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जानेंगे, बहुत सारे फील्ड होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग दो फील्ड को ही काम में लेते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो भी बहुत काम का, एक नेचर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, और हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अरे यहां तक कोई दुख वाली बात नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं, आया के गया रे, सब शाप आ गया। चलो बच्चों आगे देखते, आगे बात करते। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी बताया, वही चीज यहां पे लिखूंगा मैं वापस। ये एक चार्ज पॉजिटिव है और एक ये भी चार्ज पॉजिटिव है। मेरे पास में दो चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को पता है जब दो पॉजिटिव चार्ज कितने दो पास में आ जाए, असहमत, पास में आ गए, पॉजिटिव है, सेम नेचर है, लाइक चार्जेस है। बड़ा असरा था सर, पास में आ जाए तो दूर चले जाएंगे, समझा, क्या चले जाएंगे, दूर। तो कहने का मतलब है जब दो लाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या होते हैं, रिपेल, क्या होते हैं बेटा, लिख दो, रिपेल होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बात बोली सर आपने। अब मेरी बात को ध्यान से सांभले और ध्यान से सुने, एक चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अरे भाई तू कैसा रे, पॉजिटिव। अच्छा तू कैसा रे, नेगेटिव। सर एक पॉजिटिव है, ये लो, एक नेगेटिव है, दोनों राजी है, पास में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पास में। सर इसको अट्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अट्रैक्शन कहते हैं। सर आपको पता है ना अट्रैक्शन क्या होता है, इधर बताओ, बड़ा खुश हो रहा है, राजी हो रहा है, सर अट्रैक्शन कहते हैं, बड़ा आया अट्रैक्शन वाला, पढ़ ले अट्रैक्शन कहीं का। ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अरे तू कैसा, पॉजिटिव, पास के दूर, दूर। तू कैसा, पॉजिटिव, तू कैसा, नेगेटिव, पास के दूर। सर दूर नहीं जाएंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, पास पास आने का, तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन। चलो समझ गए यहां तक, तो ये रिपेल था और ये अट्रैक्शन था। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड, सीधा सीधा लिखा हुआ है।
ऐसा होने का कारण एक ही था कि जो हमारा चार्ज है, ये वाला चार्ज, इस चार्ज के अराउंड ये जितना भी स्पेस का वाला भाग है, इसके अराउंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और उसी के कारण ऐसा हुआ। क्या कहा? इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्म होने के कारण, उसी के कारण ऐसा हुआ। आई बात समझ में? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा चार्ज था, उस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मेशन हुआ, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड ने ही चार्ज को अट्रैक्ट कराया और रिपेल कराया। क्या कराया? अट्रैक्ट और रिपेल, यानी इंटरमीडिएट है। क्या है? चार्ज के पास में एक ऐसी पावर है, शक्तिमान, सुना ना, शक्तिमान के पास पावर होती है, वैसे ही चार्ज के पास पावर है, शक्ति है, दो चार्ज को पास ला सकती और दो चार्ज को दूर भेज सकती। ये पावर, ये शक्ति क्या कहलाती है? तो ये पावर और ये शक्ति कहलाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड। चार्ज कहता है मेरे पास पावर है। मैंने बोला अच्छा, हाँ बेटा अच्छा, नाम बता। इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा हिंदी में बता, वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे मैंने बेसिक समझाया। अरे समझ आया? आया के नहीं? अरे आया के नहीं? यस सर आ गया। आगे बढ़ते और बात करते, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चमका के नहीं चमका? सर चमक गया। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते। एक ये चार्ज है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास का जो भाग है, इस पॉजिटिव के आसपास यानी अराउंड या सराउंडिंग या नियर अबाउट टू द पॉजिटिव चार्ज, वो भाग ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या लिखा है पढ़ लो खुद से। अब मैं ना रोज पढ़ पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूं, समझे सर प्लीज। वापिस बोल तो, क्या कहा? नहीं क्या कहा तुमने? तो घबरा क्यों रहा है? बता देता यार, तू तो मेरा भाई है, जिगर का टुकड़ा यार। द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज कैन बी फेल्ट। कि स्पेस के आसपास का जो भाग जहां पे चार्ज अपने आप को फैला दे, वही क्या कहलाता है? वही आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? यस यस। आपने सीधी बात, देसी वाली बात बोला, हम आयो कि नहीं आयो रे टावर सर? आई गया सर, ये वही ना बात सर, देसी देसी है। चलो अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो एक टर्म्स आती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम बोला? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो बताया था कि किसी भी यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस हो जाए, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो सर। ये आप कह रहे हो कि टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, आखिर क्या चीज़ है ये टेस्ट चार्ज, ये तो बताओ। आप कब से बोले जा रहे हो, हम कब से सुने जा रहे हैं? आप बोले जा रहे हो, हम से सुने जा रहे हैं। आखिरकार वॉट इज टेस्ट चार्ज सर? ये टेस्ट चार्ज क्या है? अच्छा परीक्षण आवेश, हिंदी वाले पहले लिख दो। टेस्ट चार्ज को कहा जाता है परीक्षण आवेश। सर ठीक है, परीक्षण क्या? परीक्षा लेगा? बिल्कुल। जिस पॉइंट पे पता करना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है कि नहीं है, वहां ले जाओ। सर ले गए, फोर्स लग रहा है क्या? चेक करो, फोर्स लग रहा है। कितना लगेगा? दो। या तो उसकी नेचर अट्रैक्शन या उसकी रिपल्सन नेचर। कैसी रिपल्सन? खत्म। अच्छा सर, ये तो चेक करने का काम करता होगा। बिल्कुल भाई, टेस्ट बोला है ना, तो टेस्ट ही तो लेगा कि तू है या नहीं।
ये कैसे पता करूंगा? सर फोर से पता करूंगा। किससे पता करूंगा? फोर से पता करूंगा। अच्छा, ये बात समझ आ गई मेरे को अच्छे से और बहुत प्यारे तरीके से समझ में आई। चलो, हाँ एक चीज और बोला था कि टेस्ट चार्ज होता है बहुत छोटे चार्ज, इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा स्मॉल रहती है, इसलिए इसके खुद के ऊपर कुछ नहीं होता और खुद की लोकेशन भी अनडिफाइंड होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, ये भी ध्यान रखना। यानी कि दूसरों को चेक करने का काम कर रहा है तो खुद पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तुम करते हो ना, दूसरों को तो लड़ा देते और खुद साइड में हो जाते हो, भाई लड़ लो, भाई लड़ लो, चलो हो गया तुम्हारा, चलो वी आर फ्रेंड्स। इधर से भी दोस्ती रखोगे और इधर से भी रखोगे, बीच में इंटरमीडिएट बनोगे, इन दोनों को कभी मिलने नहीं दोगे। अच्छी बात है ना? बिल्कुल गंदी बात है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं और बात करते हैं हम लोग अच्छे से। अगली वाली बात क्या है वो ध्यान से सुनना, बार पूरी लाइन लिख देता हूं मैं। चलो कुछ डायग्राम है इसका। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, वही बात वापस आ रही कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्षमता को चेक करता है, उसकी ताकत को चेक करता है कौन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के उसके पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। कौन सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में? चलो ये भी देख लो कि इसके अराउंड कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी ताकत है, ये कैसे पता करोगे? तो पता करने का तरीका बता रखा है, ठीक है ना? ये देखो, यही बात हम बोले थे बबुआ और यही बात आ गई आपके पास में। चलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एनी पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के पास में उस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता हुआ महसूस हो जाए तो वही आपकी क्या होती है, वही आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे उसे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। और वहां पे क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज। क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे। जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, रेडियल और आउटवर्ड से, तो यहां पे किसी भी चार्ज को रख दो जैसे कि, और जैसे ही रखा तो इस टेस्ट चार्ज को यहां पे, इस टेस्ट चार्ज को यहां पे एक फोर्स लग जाए इस फील्ड के अंदर, तो वही इसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आगे बात समझ में? चलो एक सेकंड देखो, थोड़ा सा ना आज थोड़ा सा थकान होगा क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाने में और क्वेश्चन कराने में बहुत डिफरेंस है। चलो आगे देखते। क्या सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे, ये हुई ना बात? द चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। और किसी को पता है पर होता है तो उसको कहां लिखते रहे? नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते? जिंगूर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई बराबर F of one, Q. वो आगे, क्यों कौन सा है बेटा? क्यों तुम्हारा खुद का नहीं है? टेस्ट चार्ज है जो तुमने माना था चेक करने के लिए। तो ये क्यों नॉट बेसिकली एक टेस्ट चार्ज होता है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है।
तीन बातें मैंने यहाँ पे लिखी। पहली बात, टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इट्स वेरी स्मॉल चार्ज। वेरी गुड। नॉट अफेक्ट एनी चार्ज, किसी भी चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है। और इसकी खुद की लोकेशन पता नहीं होती है। खुद का तो होता पता नहीं, और दूसरों की पंचायती करने आ जाता है टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को चेक करने आता है। चलो ये बात तो हो गई। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, चलो सब बढ़िया है बहुत, इसकी यूनिट और डाइमेंशंस क्या होंगे? क्वेश्चन क्या है, इसकी यूनिट और इसके डाइमेंशंस क्या क्या होंगे? सर यूनिट कैसे बता करोगे? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। सर यूनिट तो होगी न्यूटन अपॉन कूलाम। सर डाइमेंशन कैसे निकाले? फोर्स की डाइमेंशन क्या होती है? अरे फोर्स की डाइमेंशन पता है ना, बोल कितनी होती है। सर एक काम करते हैं, हम ये पूरी निकाल के बताते हैं। निकालो, निकल गई? कितनी निकली बोले तो? पहले मेरे को है ना बुढ़िया, एक काम कर, फोर्स की है ना डायमेंशन बताते बस का। तो तू खड़ा होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिट बोल, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशन क्या आएगी बोल? m1 l1 t-2। राइट राइट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे तू। तो फोर्स की यूनिट होती है m1 l1 t-2, चार्ज की यूनिट होती है at। तो ये क्या बन गई बच्चे, m1 l1 t-3 और a-1। ये डायमेंशन होती है हमारी फील्ड की, इलेक्ट्रिकल फील्ड E की, ये ध्यान रखना। तो कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायमेंशंस क्या होती है, तो m1 l1 t-3 a-1। यहाँ सीधा सीधा है ना, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि डायमेंशन को याद रखो ही मत। जो छोटे छोटे फॉर्म टर्म्स आती है फिजिक्स की, उनकी डायमेंशन याद रखा करो, जिससे आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि ये इतनी सी जो चीज़ आप कर सकते हो, है ना? अच्छा 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 सर, आ जाओ आगे। तो यहाँ तक कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई बुराई वाली बात नहीं? चमक गया बच्चों। यस सर, आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं। ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, है ना? ठीक है, जब से बच्ची बात है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर, अर्थात सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा था तो उसके पास भी डायरेक्शन और क्या क्या थे बेटा? तो उसके पास डायरेक्शन भी थी, इलेक्ट्रिकल फोर्स के पास डायरेक्शन भी थी और मैग्नीट्यूड भी था। और चार्ज पढ़ा था तो उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। तो उसको स्केलर बोला था कि नहीं बोला था? चलो इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी है, न्यूटन अपॉन कूलाम। एक इसकी और अच्छी काम की यूनिट होती है जिसे वोल्ट अपॉन मीटर कहा जाता है। ये कैसे आती है? आप लोग जब पोटेंशियल पढ़ोगे ना, वहाँ पे एक यूनिट आएगी V = ED। एक फॉर्मूला आएगा V = ED, यानी कि आपके पास में अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पता है डी डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे ये आता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाती है E = V/D। वी की यूनिट होती है वोल्ट, डी का डिस्टेंस यानी मीटर। तो ये वोल्ट अपॉन मीटर भी जो होता है, इसकी एक यूनिट होती है, ध्यान रखना। तो ये हम लोग जो है वो आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ कि इसकी जो यूनिट होती है, तो न्यूटन अपॉन कूलाम और एक होता है वोल्ट अपॉन मीटर बेटा।
चलो लिख दो जल्दी से। आज तो मेरा ना गला पूरा खराब करके रहोगे। ये डायमेंशन में मैंने बता दी थी, न्यूटन अपॉन कुलाम बताया दिया था, ये बता दिया था, ये बता दिया था। चलो तुम्हारे लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, बहुत कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ ये रही इसकी डायमेंशन। सर आप तो करते हो और हम बिल्कुल पढ़ते नहीं। चलो ये हो जाएगा। अब सवाल आता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कैसे होगी। तो पहली बात तो ये समझनी है कि अगर मान लो कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पता करना चाहते हो, क्योंकि ये इसके अराउंड ही पता करते हैं ना, क्या करते हैं, चार्ज के अराउंड ही करते हैं, तो यहाँ पर पता करना चाहते हो तो ये काम देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा जो होती है आउटवर्ड ऑफ चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज के कारण अवे ऑफ द चार्ज होती है। एक चीज ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स होगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड हमेशा इनवर्ड्स होगी, उसकी तरफ जाएगी और उससे दूर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि आपको एक पॉइंट चार्ज के लिए बताना है कि उस पॉइंट चार्ज के कारण उसके अराउंड कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो हमने कंसीडर किया पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, एक पॉइंट ए पे, इस तरीके से ये हमारा ए पॉइंट है, इस पे हमारे पास में एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है। अब क्या करेंगे बेटा, वही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। अब एक पॉइंट लेंगे दूसरा पी, क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे बी, उस पर हमने टेस्ट चार्ज को, भाई ये चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड कौन सा भाग है, ये वाला सारा भाग अराउंड है, तो इसके अराउंड कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया जो था बी, और इस बी पे टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, कितना रखा क्यू नॉट। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी मानी हम लोगों ने, आर मान ली, कितनी मान ली बेटा, आर मान ली। अभी हमने सीखा, क्या सीखा, कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। आप लोगों को पता है दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट लगेगा, यानी कि क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया तो क्या बचा, ला लाल ला के क्यू अपन आर स्क्वायर बचा, क्या बचा, के क्यू अपन आर बचा। आगे बात समझ में, अगर इसकी डायरेक्शन पता करनी हो तो इसकी डायरेक्शन मैंने आपको अभी बता चुका, ठीक है। तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इसको वैक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ये वापिस वही टर्म्स आ गई। मान लो कि इसकी डायरेक्शन यहाँ से ए से बी की तरफ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने लिखा है कि कूलम्स फोर्स जो है वो क्यू नॉट पे लग रहा है, तो एफ बराबर क्या करोगे, वन अपॉन फोर एफ आई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एन कैप, डायरेक्शन आ जाएगी। डिवाइड में टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो यही सही तरीका वही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सारी कहानी एक ही होती है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, और पता ही है ना, इसको वापिस चेंज करते हो तो क्या बनता है, वेक्टर, भूले तो नहीं ना, तो यहाँ आर कैप कर देना, ये ध्यान रखना, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा, है ना, ये भी ध्यान रखना जो मैं फोर्स में बता चुका हूँ। ये मैग्नीट्यूड आ गया इस तरीके से, वो देखो वहाँ पे कहानी हो रही होगी वापिस, ठीक है। चलो तो ये कहानी हमने ख़त्म की इलेक्ट्रिकल फील्ड के, छोटी छोटी बेसिक कहानी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी। अभी हम पढ़ के आए न्यूटन अपॉन कूलम, वोल्ट अपॉन मीटर, दोनों या कोई नहीं, तो दोनों होती है, अभी हम पढ़ के आए। चलो ये किससे आती है, ये आती है हमारे पास में एफ अपॉन क्यू से, और ये आती है बी अपॉन डी से। विच टाइप ऑफ क्वान्टिटी इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी,
अब इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो ये होती है मैंने आपको बता दिया है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है? चलो चलो, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में खूब सारे सिस्टम्स, सिस्टम्स का मतलब एक सिस्टम हो और उसमें खूब सारे चार्जेस हो। क्या कहा? कि हमारे पास में एक सिस्टम हो और उसमें खूब सारे चार्जेस हो। और जब हमारे पास में एक सिस्टम और उसमें खूब सारे चार्जेस हो तो उसमें क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए जो हमने फोर्स में लगाई थी, है ना, वही काम करना है। सर आप थक गए, अभी कितने मिनट की क्लास हो गई उसके अकॉर्डिंग मैं जो है वो सोच रहा था। अच्छा अभी 10 मिनट ही पड़े यार। सर गिर ना जाओ कहीं, चलो। आज तो है ना ये 10-20 मिनट की क्लास में भी ना बहुत जोर एनर्जी लगानी पड़ी मेरे को, क्योंकि थ्योरी में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है मेरे को। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, समझते हैं क्या होगा सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो कुछ नहीं होगा, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। एक अपन टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, ये लिया क्यू वन, ये लिया क्यू टू, ये लिया क्यू थ्री। आपको पता है ये चार्जेस कैसे सारे पॉजिटिव, इनकी तरफ बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से। अब एक ही पॉइंट पे आके इलेक्ट्रिकल फील्ड जुड़ रही है, जैसा उसमें हुआ था वैसा इसमें भी हो जाएगा, कुछ नहीं। वो कहानी होगी जो आपने सेम की थी इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर, और कोई दूसरी कहानी इसमें नहीं है। अब देखो मैं समझा भी दूंगा, थक के यार। चलो हमने माना कि हमारे पास में Q1, Q2 और Qn चार्जेस है, और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स है, उनके स्थिति सदिश है किसके अराउंड बेटा? इस ओरिजिन O के अराउंड। वो कितने हैं? R1, R2 और Rn। अब देखो इसने क्या लिखा, ध्यान से पढ़े पहले आप सब लोग। क्या बोला? कि एक चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, उसके आसपास में बहुत सारे चार्जेस है, तो उस बहुत सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स फील्ड करेगा ये वाला, वही इस पूरे सिस्टम का क्या होगा बेटा, सॉरी उस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ठीक है। यही बोला कि इसको जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा ओरिजिनल फील्ड को, ये भी ध्यान रखना। चलो सुपरपोजिशन यूज करेगा सेम सेम कूलम्ब, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबकी फोर्सेस निकालेगा इस तरीके से। देखो एक चार्ज क्यू वन है, मुझे इस पॉइंट पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, बाहर की तरफ होती है, इसको मिला दीजिए तो ये डिस्टेंस आर वन भी होगी। इसी तरीके से ये क्यू टू चार्ज है, इस क्यू टू चार्ज के कारण कहाँ होगी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बाहर की तरफ ई टू हो गई। इसी तरीके से यू कौन सा चार्ज है, क्यू थ्री, इधर हो गई ई थ्री, ये क्यू फोर चार्जेस ई फोर, इसी तरीके से ये आया। अब ई वन ई टू का कहाँ आएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से आगे मिला रहा है। तो मिला के देखो ये ऐसा बना, वेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, वेक्टर लगाओगे तो क्या होगा, सम होगा। तो सबसे पहले ईवन की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली, इतनी आई, कितनी आई ईवन की इलेक्ट्रिकल फील्ड, वही आएगी ना, ईवन कौन सी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये वाली है, तो 1/4πε₀ क्यू वन अपॉन आर वन पी डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस कितनी थी आर वन पी का स्क्वायर और आर वन पी का कैप। इसी तरीके से वापस आर वन पी क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी क्यू वन टू पी होगी, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, जो वेक्टर हम लोग लिखते हैं बेसिकली आपकी जो डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस के वेक्टर को बताना है, तो डिस्टेंस तो ये रही। अच्छा मैंने ये यहाँ पे लिख दी थी आर वन पी ये रहेगा, तो ये डिस्टेंस की वेक्टर ये कहाँ से कहाँ रह जाएगी, इस तरीके से रह जाएगी क्यू वन से पी की तरफ, ठीक है, ये डिस्टेंस है क्यू वन और पी के बीच की। अब सारा तरीका करना है क्यू टू के लिए, करो वही सेम बात, चलो देख लो एक बार, अब वही तरीका सेम करो ई थ्री ई फोर ई एन, तो ये सारा किसके कारण होगा क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर और क्यू एन। लास्ट में क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालोगे तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई एन आएगी, ये लास्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड की हमारे पास में क्वेश्चन बन जाएगी। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम आप पढ़ चुके हो फोर्सेस के अंदर, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में बता दी, ये लिखा है कुछ और नहीं लिखा है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड एक पॉइंट पी पे ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है।
ठीक है। तो जो चार्जेस का सिस्टम बनेगा उसका एक पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिकल फील आने वाली है वो इस तरीके से आने वाली है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारी कहानी फोर्सेज में बता चुका हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको केवल दिखा रहा हूँ। ये तरीका भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, समेशन हो जाएगा। समेशन में समझते हो ना, जोड़ना है ना, पहले के कारण, फिर दूसरे के कारण, फिर तीसरे के कारण, ऐसे करते। तो ये क्या हो जाता है बेटा, तो ई आर बराबर क्यू वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन और समेशन आई इक्वल्स टू वन। तो क्या होता है, के क्यू आई लिख दो यहाँ पे, वन चार्ज है तो वन लगा देना, आई के वन, टू हो तो आई की वैल्यू टू रख देना, थ्री रख देना, फोर रख देना, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखो ई जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेरी कहाँ करती है, वन पॉइंट टू अनदर चार्ज इन दिस फेस पहले ही बता चुके हैं, एंड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द सोर्स चार्ज, और ये जो है वो डिटरमाइंड होती है सोर्स चार्ज की पोजिशन क्या है। चलो अब देखते हैं आगे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है। अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सारी कहानी मैं पहले समझा सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल यही बोला है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो बेसिकली एक तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है, करेक्टरिस्टिक्स बताने का, किसकी, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट की, यानी कि जो विद्युत के आसपास की जो इन्वायरमेंट होता है उसको बताने का एक कहे तो तरीका होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी सिस्टम के चार्ज का, किसका, किसी भी सिस्टम के चार्ज का। चलो ये तो बात कई बार आ गई ना कि उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितने फोर्स का जो है हमें एक्सपीरियंस होता है, ये वही वाली बात है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी उसके लिए लिखता हूँ बोर्ड वालों के लिए, इंडिपेंडेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ ए चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट, मैं आपको पहले बोला इसकी लोकेशन डिपेंड नहीं होती, यानी इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज दैट यू वुड प्लेस एट ए पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। हम इसको केवल और केवल रखते हैं जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी होता है, ये ध्यान रखना है ना, कि सर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ वेरी होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है, ये भी ध्यान रखना। ये वेक्टर होता है, ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो क्वेश्चंस क्या क्या ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वापस वही सवाल आ गया, वेक्टर, अभी ये पढ़ा था लाइन, पढ़ो ध्यान से, खुद से पढ़ो, ऑप्शन देख लो, अभी पढ़ा था, इंडिपेंडेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये वही चीज़ आई है वापस। चलो अब टाइप्स की बात करें, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड की टाइप्स कैसे कैसे होगी, तो तीन टाइप्स मानी जाती है, एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, और एक होती है रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या क्या बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड असमान विद्युत क्षेत्र, और तीसरा होता है रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र। और ये बोर्ड का सवाल था इस साल का, आपके कहे तो फिल इन ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में ये सवाल भी था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यीय क्यों होता है, ऐसा एक सवाल आ रखा था। चलो टाइप्स की बात करें तो इसको क्लासिफाइड करते तीन तरीके में, ये रहा, एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है असमान विद्युत क्षेत्र, ये होता है त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र। इस तरीके से अब देखो एक समान का क्या मतलब है, असमान का क्या मतलब, त्रिज्य का क्या मतलब है, ध्यान से देखना और समझना। अब देखो सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या कहता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सब जगह क्या रहे, सेम रहे। K
कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जितने भी पॉइंट्स बना रखे हैं उस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, यही होता है, सब जगह एक समान इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए। जैसे इतना भाग है, इसमें यहाँ पे भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है और उसकी डायरेक्शन है वो इसके नीचे पॉइंट पे, इसके इधर पॉइंट पे, यानी कि सारे के सारे पॉइंट पे अपने को डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की, मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का सेम मिले, वही आपकी क्या कहलाती है, अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाती है। ध्यान से समझना, एक डायग्राम आएगा, ये देखो, अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को बता रही है सारी की सारी लाइन्स, तो ये लाइन्स बता रही है कि सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड्स क्या है, एक जैसा या समान, कैसा है बेटा, एक जैसा और समान है। यही चीज क्या कहलाएगी, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगी, कैसी, यूनिफॉर्म कहलाएगी, इस तरीके से। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, तो अलग अलग पॉइंट पे सारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हो, इस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के, दोनों कैसे हो जाए, डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंट, डिफरेंट बोले तो अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है इस तरीके से, ये देखो सीधी है, ये वापस ऐसे कर्व्ड में जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी इस तरीके से। अब होती है रेडियल, रेडियल का मतलब होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी आपने जो पॉइंट लिया है या तो उस पॉइंट से बाहर निकले या उस पॉइंट की तरफ आए, इस तरीके से, और परपेंडिकुलर आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना इस तरीके से। ये देखो ये बाहर की तरफ जा रही है तो कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये रेडियल जो है हमेशा आउटवर्ड रहेगी, ये ध्यान रखना, आई बात समझ में, यानी परपेंडिकुलर जाएगी चार्ज से, तो यहाँ पे बेसिकली चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज से आउटवर्ड निकल रही है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो इसकी तरफ आती, क्या होता, इसकी तरफ आती, ये ध्यान रखना, ये रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये आपको जो है वो कल बताएंगे, यहीं तक बताएंगे, थोड़ा सा थकान भी आ गई है बच्चों आज, क्योंकि थ्योरी एक आर तक पढ़ाने में बहुत तो वो मेहनत लग जाती है। चलो बच्चों आगे की कहानी को कल देखेंगे और कल क्वेश्चन भी लेके आएंगे, आज आपको केवल थ्योरी समझाइए, घर जाके आराम से पढ़िए, NCERT पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा, है ना, सर होमवर्क तो नहीं दे रहे, वो लास्ट में कंप्लीट दूंगा, कि भाई आज सारे एग्जाम्पल करके आ जाइयो, आज सारे क्वेश्चन करके आ जाइयो, आई बात समझ में। चलो बच्चों विदा लेते हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में कुछ करिए, ये जो जीवन है ना किसी की अमानत है, हमेशा सोचिए कि जिस इंसान ने आप इस दुनिया में लाए ना वो आपका सबसे बड़ा भगवान है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, बस उस इंसान के बारे में जिस दिन सोच लिया ना आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। चलो राधे राधे, ठीक है बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करो, टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, चलो।